नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रयागराज से आ रही खबर के साथ। बात करते हैं वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की। मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज करने के साथ ही हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल सिविल वाद को हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य मान लिया है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। अदालत ने साल 1991 के मुद्दे के ट्रायल को मंजूरी दे दी है, यानी कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल सिविल वाद को हाईकोर्ट में सुनवाई के योग्य माना गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के आदेश भी दे दिए हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच स्वामित्व को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कुछ याचिकाएं दायर की थी, जिन याचिकाओं में ज्ञानवापी मस्जिद का व्यापक सर्वेक्षण करने के वाराणसी अदालत के 8 अप्रैल 2021 के आदेश को चुनौती दी गई थी। लेकिन वाराणसी अदालत के 8 अप्रैल 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। इससे पहले 8 दिसंबर को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी के वकीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन की देखभाल करने वाली AIMC यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी अदालत के सामने एक मुकदमा दायर कर उसे स्थिरता की चुनौती दी थी, जिसमें हिंदू याचिकाकर्ताओं ने उस स्थान पर एक मंदिर की बहाली की मांग की है जहां पर इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद है। हिंदू पक्ष के वादी के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर का एक हिस्सा है। हालांकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का तर्क यह है कि मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम द्वारा निषिद्ध है। तो ये एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में अपना फैसला सुना दिया है। और फैसला यह है कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साल 2021 में जिस आदेश को वाराणसी अदालत ने जारी किया था, सर्वेक्षण का आदेश था, उसे चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष पहुंचा था इलाहाबाद हाईकोर्ट। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।